आपकी स्क्रीन शेयर करके एक ब्रांड न्यू रिपोजिटरी बनाते हैं, उसको क्लोन करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उसमें एक नया रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना के उसको हम गिटहब में डिप्लॉय करते हैं ताकि थोड़ा रिविजन भी हो जाए, दूसरे लोगों के भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसमें सर आगे नहीं पढ़ाएंगे आप आज? आगे पढ़ाऊंगा मैं आज, इनका ज़रा ये गेट का मसला ये देख लेते हैं हम कि क्या है। ठीक है सर। अच्छा आप जल्दी से चले जाएं github.com पे फारिया, और github.com पे जाके ना एक नई रिपोजिटरी बना दें आप। यहाँ पे एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं github.com पे। किसी भी नाम से कर दें। अच्छा ये जो मैं इनको करवा रहा हूँ ना, आप सब लोगों को जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, कभी भी ज़िंदगी में कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, वो इसी तरह बनाना है। सबसे पहले गिटहब में रिपोजिटरी क्रिएट होगी, उसके बाद कुछ होगा अगला काम। अच्छा रिएक्ट ऐप हो गया, परफेक्ट। इसको क्लोन कर लें, आप जाएं अपने फोल्डर में जाके ना किसी जगह पे इसको क्लोन कर लें अच्छी सी जगह पे। नहीं इसको बंद कर दें वो एक्सप्लोरर, हाँ ये वाला एक्सप्लोरर में आ जाएं। एक्सप्लोरर में ज़रा आपका कोई प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है बना हुआ जहाँ पे आप सारे प्रोजेक्ट को अपने रखते हैं? हाँ ये अंडरस्कोर प्रोजेक्ट वाले में आप चले जाएं। अच्छा किसी में भी चले जाएं, किसी भी फोल्डर में चले जाएं जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स रखते हैं। अच्छा तो अंडरस्कोर प्रोजेक्ट में हमने ये अभी मिसाल के तौर पे क्लोन करना है। यहाँ पे अपने राइट क्लिक करके गिट बैश ओपन कर लें, ओपन गिट बैश हियर, या अगर आपके पास CMD है तो वो भी कर सकते हैं आप, एक ही बात है। यहाँ पे आप लिखें गिट क्लोन, स्पेस, और वो पेस्ट कर दें लिंक। राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। ये क्या हुआ, वो आपने पहले से जो कुछ एंटर किया था ना वो भी इसमें पेस्ट हो गया। दोबारा राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, एंटर। अच्छा ये क्लोन हो गया। अच्छा अब ज़रा जाएं आप अपने उस फोल्डर में, देखें ज़रा अभी तक क्या बन चुका है। फोल्डर ओपन करें वही वाला, वो कहाँ गया फोल्डर? नहीं नहीं ये VS कोड में ओपन नहीं करें अभी फ़िलहाल, VS कोड को छोड़ दें, अभी VS कोड को वापस बंद कर दें आप। हाँ ये फोल्डर में जाके देखें जो आपने अभी ऐप बनाई है वो किस नाम से बनाई है, वो जो हाँ ये रिएक्ट ऐप, इसके अंदर चले जाएँ। ये अभी अभी आपने एम्प्टी रिपोजिटरी क्लोन की है, ये वो आ गया है यहाँ पे। अच्छा ये छोटा सा जो गिट है ना, ये क्या है, ये गिट की रिपोजिटरी जो होती है उसकी पहचान होती है कि छोटा सा उसमें ये गिट बना हुआ होता है। अब यहाँ पे ना आप CD करें, वापस वो जाएं टर्मिनल में और CD करके आप इस फोल्डर के अंदर आ जाएं, CD करके रिएक्ट ऐप करके आ जाएं अंदर इसके। एंटर। अच्छा अब इसके अंदर आप आ गए, ज़रा टर्मिनल को ना थोड़ा एक साइड पे कर दें ताकि हमें फोल्डर भी दिखता रहे कि वहाँ क्या बन रहा है। टर्मिनल को उठा के ना ज़रा साइड पे कर दें, विंडो को मूव कर दें थोड़ा साइड पे। अच्छा अब यहाँ पे ज़रा कमांड चलाएं, जो रिएक्ट की नई ऐप बनाने की कमांड होती है ना वो चला दें। क्या है वो? npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और स्पेस डाल के कोई भी नाम इस पे लिख दें आप, ABC वगैरह जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम रखना है। मिसाल के तौर पे FB क्लोन रखना है आपने नाम, तो FB क्लोन इसका नाम रख दें आप प्रोजेक्ट का।
सही है, एंटर कर दें। अब ये क्या होगा, एक नया प्रोजेक्ट ना इस फोल्डर में देखें, फौरन बन के आ गया फोल्डर एक, ठीक है। अच्छा अब बाय डिफॉल्ट आप देखें मेन लिखा हुआ है आपके जो टर्मिनल पे ना, देखें मेन लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है जी, यहाँ पे तो मेन आ रहा है। हाँ अब वो मेन ही रहेगा, वो मेन से मास्टर नहीं होगा अभी, ये आपका मसला ऑलरेडी सॉल्व है। वेल मैं आपको फिर भी ये पूरा गो थ्रू करवाता हूँ लास्ट तक, जितने भी लोग इस क्लास में मौजूद हैं सबको इसी तरह से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अच्छा ये हो रहा है, एंटर करें ज़रा, ये क्या रुक गया क्या, ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है, नहीं ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अच्छा ये इंटरनेट से ना डाउनलोड कर रहा होगा कुछ, ज़रा टास्क मैनेजर खोलें साथ में, ये दिखता भी रहेगा मैं कि क्या डाउनलोड कर रहा है, टास्क मैनेजर खोल रहा है। इसमें परफॉर्मेंस वाले टैब में जाइएगा, हाँ ये देखें ना रिसीव कर रहा है कुछ, टास्क मैनेजर को साइड पे करें, ऐसे कर दें कि मुझे वो भी दिखता रहे ये भी दिखता रहे, हाँ वेल डन। अब ये आपके ना क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड चल चुकी है, अब ये देखते हैं कितना टाइम लगाती है। यार ये क्या सीन है, अच्छा चल रहा है, सही है सही है, ठीक है ये हो रहा है। टर्मिनल पे वैसे वो घूमता हुआ दिखता है, वो एक लोडर दिखता है, वो नहीं दिख रहा आपके पास, पता नहीं क्यों। टर्मिनल पे क्लिक करके ना, टर्मिनल पे क्लिक करके एक दो दफ़ा एंटर प्रेस कर दें ज़रा। अच्छा सही है, चल रहा है, ओ चल गया और बढ़ा गया। इसमें लोडर शो नहीं हो रहा, वरना लोडर भी आमतौर पर शो होता है, लेकिन ये चल रहा है स्टिल। अच्छा ये चल के कंप्लीट हो गया, अब ये चल के जब कंप्लीट हो गया है तो अब आप ये फोल्डर पे ना ये जो नया FB क्लोन है इसके अंदर जाइएगा ज़रा एक बार, हाँ। अच्छा ये जो आपका ना पूरा रिएक्ट की ऐप बन के आ चुकी है यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा अब आप ये भी कर सकते हैं कि इन सबको कॉपी करके ना एक फ़ोल्डर, क्योंकि असल में क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या करता है अपने नाम का भी एक फ़ोल्डर बना देता है, तो फोल्डर हो जाते हैं डबल डबल, ठीक है। तो आप इन सबको सेलेक्ट करें, ये जो सामने सब कुछ आ रहा है आपके, इसको सेलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। मैं VS कोड में डायरेक्ट ओपन करती हूँ। नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आप कंट्रोल ए तो करें, ये आपको करना पड़ेगा, ये हर प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा आपको। अच्छा कंट्रोल इसको ड्रैग करके ना, ये जो ऊपर एड्रेस बार में दिख रहा है ना, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप जो FB क्लोन से पीछे रिएक्ट ऐप का फोल्डर दिख रहा है, इसको ड्रैग करके ना वहाँ ले जाके छोड़ दें। नहीं नहीं क्लिक नहीं करना उस फोल्डर में, इसको पकड़ के ड्रैग करें और यहाँ उधर ले जाके छोड़ दें, ये चीज़ छोड़ दें उधर ले जाके, बस ये हो गया, सही है ये कॉपी हो गया पीछे वाले फोल्डर में। अब वापस जाएं रिएक्ट वाले ऐप में, आप रिएक्ट ऐप वाले फोल्डर में, ये देखें सब कुछ यहाँ आ गया। FB क्लोन को डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें, ठीक है। ये आपका रूट पे आ गया, सब कुछ आ गया रूट के ऊपर। अब इसको आप खोलें VS कोड में, VS कोड में कैसे खोलेंगे, राइट यहीं पे राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड अगर आता है यहाँ पे तो वो कर दें, नहीं आ रहा चलें वो CMD से कर दें। अच्छा ये आपके पास ना वो पूरा खुल के आ गया। अच्छा अब जाएं आप app.js में ही चले जाएं, सीधा app.js में चले जाएं फ़िलहाल, वैसे तो हमें इंडेक्स में कोड लिखना होता है लेकिन app.js में फ़िलहाल चले जाएं आप। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये react.js लिखा हुआ है जो ये लर्न रिएक्ट लाइन नंबर 18 में, सही है। इसके आगे रिएक्ट के आगे अपना नाम लिख दें आप, लर्न रिएक्ट के आगे अपना नाम भी लिख दें और अपना नाम लिख के बस इसको डिप्लॉय कर दें आप इसी तरह फ़िलहाल। अब इसको इसी तरह से चलाना है और इसी तरह से डिप्लॉय करना है मैं Netlify पे, वो बाद में आप चेंजेस करते रहेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे आप दोबारा डिप्लॉय कर देंगे, तो उसके लिए टर्मिनल ओपन कर लें यहाँ पर, ठीक है। टर्मिनल में npm run build सबसे पहली कमांड, npm start से तो ये लोकल रन होता है ना, हमें अभी डिप्लॉय करना है डायरेक्ट क्लाउड पर, npm run build कर दें बगैर चेक किए हम ना, बगैर चेक किए डायरेक्ट क्लाउड पे भेज रहे हैं हम।
फोल्डर आ गया। फोल्डर आ गया, ये कंप्लीट अभी होगी कमांड, अभी चल रही है स्टिल। ये जैसे कमांड कंप्लीट हो जाए तो फिर हमने इस पे वो नेटलीफाई डिप्लॉय माइनस माइनस प्रॉड हम लगा देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी। अब इस पे चला फाइल दें। सेव नहीं है। हाँ फाइल आपने सेव नहीं की है, फाइल सेव करेंगे तो वो जाएगा उसमें। सेव करके दोबारा npm रन बिल्ड चलाना होगा आपको। अब इसको आप कर दें नेटलीफाई पे डिप्लॉय। अच्छा नेटलीफाई है ना, ये कह रहा है आपके पास इंस्टॉल नहीं है, सीएमडी पे कर लें ज़रा, ये पावर शेल पे कुछ इशू है इसको। अच्छा जिनके पास भी ना नेटलीफाई काम नहीं कर रहा वो इसको सीएमडी पे चलाएं, पावर शेल पे ना नेटलीफाई का सीएलआई जो है वो कुछ मसला कर रहा है आजकल, सही चल नहीं रहा, इंस्टॉल ही नहीं हो रहा सही तरह। सॉरी नहीं, आप एक मिनट, एग्जिस्टिंग साइट पे आपने किया है किस पे किया है, मैं मिस कर दिया मैंने वो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसको कैंसिल करके दोबारा चलाएं, ये कुछ गलत चल गया इसमें। एग्जिस्टिंग साइट पे तो नहीं करना था ना, नई साइट बनानी थी हमें, न्यू साइट हम बनानी थी, राइट। टर्मिनल बंद कर दो। नहीं टर्मिनल नहीं, कंट्रोल सी करें, ये कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से शुरू होगा। कंट्रोल सी दो तीन दफ़ा प्रेस कर दें। हाँ अभी यहाँ पे नेटलीफाई डिप्लॉय की कमांड दोबारा चला दें, वो मैंने देखा नहीं आपने क्या एंटर किया ना, वो मैंने देखना देखा नहीं मैंने। एरो अप का बटन दबाया करें, वो खुद ही आ जाता है हिस्ट्री में से। एरो अप का बटन दबाएं एक दफ़ा कीबोर्ड में, जो एरो अप का, हाँ एंटर कर दें। अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है कि नई वेबसाइट बनानी है या पहले से जो डिप्लॉय हुई हुई है उसी पे ही अपडेट करना है, तो हमें न्यू बनानी है। नीचे करें एरो डाउन और एंटर कर दें। अब ये पूछेगा कि नाम, हाँ ये टीम पूछ रहा है, टीम एक ही है आपके पास, एंटर कर दें। अच्छा अब कह रहा है नाम क्या होगा। अच्छा या तो आप एंटर करेंगी ना तो ये सुपर कूल साइट बाई एफ जे लिखा हुआ है ना, ये इस नाम से बन जाएगी वेबसाइट, और अदरवाइज आप उसको हाथ से टाइप भी कर सकते हैं, तो जैसे आपका दिल करे आप एंटर कर दें तो ये नाम हो जाएगा जो लिखा हुआ आ रहा था, सुपर कूल। अच्छा ये कह रहा है डायरेक्टरी कौन सी है, तो डॉट स्लैश बिल्ड इसमें आपने लिखना है, जो हमारे बिल्ड का फोल्डर है। बस ये आपकी डिप्लॉयमेंट जो है ना वो कंप्लीट हो गई। ठीक है। अच्छा नेटलीफाई कह रहे हैं अपडेट भी करना है, थोड़ा सा ऊपर जाएं, वो यूआरएल दिया आपने उसको ओपन करके देखें यूआरएल को। ये यूआरएल जो दिया था ना ये वाला नहीं, और ऊपर है वो, और ऊपर है ये जो, आप ज़्यादा ऊपर आ गए हो, ज़्यादा ऊपर आ गया, वापस नीचे जाओ। ये जो आ रहा है ना साइट आईडी और साइट यूआरएल, ये दरमियान वाला जो है ना ये है आपका यूआरएल, इसको कंट्रोल क्लिक करें दरमियान वाले यूआरएल पे। कंट्रोल क्लिक किया आपने जी, खुला नहीं है, क्या सीन है सर? फॉलो लिंक पे क्लिक करेंगे ना हो जाएगा। चलो फॉलो लिंक पे क्लिक करके देख लो। फॉलो लिंक कहाँ?
उस पर क्लिक करें, आ जाएगा फॉलो लिंक। हाँ ये आ रहा है ना, फॉलो लिंक आ रहा है जो छोटा सा गायब हो गया आगे। कॉपी कर लें लिंक को, कॉपी करके पेस्ट कर लें ब्राउज़र में, जैसे कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा ये जो थी ना आपकी वेबसाइट, वो देखें यहाँ पे आ गया लर्न रिएक्ट विद फारिया लिखा हुआ आ गया। अच्छा अब आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा उठा के गिटहब में भेजना है, राइट। अब जाके आप गिटहब में भेजने की कमांड लिख दें जाके, गिट ऐड ऐड, इनिट नहीं करना, इनिट नहीं करना भाई, यही तो गलती कर रही हैं आप। गिट ऐड, ये तो एम्प्टी रिपोजिटरी है ना जो आपने पहले से क्लोन किया हुआ था, वो वाली है। गिट ऐड डॉट, हाँ ऐड डॉट भी कर सकते हैं, स्टैटिक भी, एक ही बात है। अच्छा अब इसमें कर दें वो, आप गिट कमिट वाली कमांड चला दें। अब पुश की कमांड चला दें, मेन पे करना है मास्टर, मेन पे करना है, मेन है आपका, क्योंकि आपने गिट हब में पहले बनाया था ना तो मेन बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ। ठीक है ये पुश हो गया, जाके गिट हब में देखें जरा पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। पहुंच गया है यहाँ पे, वेल वेल डन यार, ज़बरदस्त, क्या बात है आपकी। अच्छा अब आपको क्या करना है, इसमें कोई मज़ीद चेंजेस करनी है, राइट। अब इसमें मज़ीद चेंजेस करते हैं कुछ, जाके जाके ना नीचे ये फारिया जो आपने लिखा हुआ है इसके साथ और भी कुछ एक दो बातें लिख दें, या मज़ीद चेंजेस मतलब कर रहे हैं इसमें, कुछ भी लिख दें, फारिया इज़ अ गुड गर्ल, प्रीटी गर्ल, जो भी। अच्छा ये हो गया, इसको सेव करते हैं। अब सेव करके आपको क्या करना है, इसको गिटहब में भी पुश करना है और इसको नेटलीफाई पे डिप्लॉय भी करना है, सही है। तो पहले गिटहब में पुश कर दें फिर नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर दें, और दोनों जगह पे जाकर देख लें कि ये चेंजेस पहुंच गई हैं कि नहीं पहुंच गई। अब जब भी चेंज करेंगे तो ये दोनों प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, गिट पुश, गिट ऐड, गिट ऐड से शुरू। गिट कमिट होगा इसके बाद, गिट कमिट होगा सेकंड। सर ये वीएस कोड से डायरेक्ट भेज दें जो वन लिखा हुआ रहा है एक्सटेंशन में हमारी, हाँ वहाँ से भी कर सकते हैं, एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा ये गिटहब में भेज दिया आपने, अब इसको जो है वो पुश कर दें। हाँ बिल्कुल सही है, पुश करें। अच्छा ये गिटहब में तो पुश हो गया, जाके देख लें वहाँ पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, उसके बाद फिर नेटलीफाई पे भी अपडेट करेंगे इसको। तो सर npm run build तो किया नहीं? नहीं पहले तो गिटहब में तो पहुँच गया ना, बिल्ड का फोल्डर गिटहब में जाता नहीं है भाई, दबे बिल्ड का फोल्डर गिटहब में नहीं जाता, सही है। यहाँ पे देख लें ये पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। जी सर ये पहुंच गया यहाँ पर, अब हमें इसी को नेटलीफाई पे भी डिप्लॉय करना है, वापस टर्मिनल पे चले जाएं। अच्छा यहाँ पे लिखे नेटलीफाई डिप्लॉय वाला कमांड, एक बार एंटर कीजिएगा सिर्फ, हम
अभी वेट करना, ये सम टाइम वेट लेता है काफ़ी। अच्छा अब ये पूछ रहा है बिल्ड का फोल्डर दोबारा बताओ आप, तो वही डॉट स्लैश बिल्ड है हमारा, तो चेंज नहीं हुआ फोल्डर, डॉट स्लैश बिल्ड आप इसमें लिख दो। ओ सॉरी, वो एन पी एम रन बिल्ड तो हमने चलाया ही नहीं है, वो हमें चलाना था पहले, एन पी एम रन बिल्ड पहले चलाना था, क्योंकि जो भी कोड हमने रिएक्ट में लिखा हुआ है वो बिल्ड के फोल्डर में जब ही पहुंचेगा जब हम बिल्ड चलाएंगे। एन पी एम रन बिल्ड चला के ना ये डिप्लॉय फिर से करना पड़ेगा हमें। एन पी एम रन बिल्ड चलाया था, नहीं चलाया था हमने, नहीं चलाया था। नहीं सर, नहीं चला था अभी। सर ये एनपीएम बिल्ड हर दफा चलाना पड़ेगा? एन पी एम बिल्ड आप जब जब चेंजेस करेंगे आपको फिर वो डिप्लॉय करने से पहले चलाना होगा, नेटलीफाई डिप्लॉय आप चलेगा। डॉट स्लैश बिल्ड वेल डन, हो गया ये ज़बरदस्त। आप खोल के देखें इसमें वो चेंजेस आ रही हैं कि नहीं आ रही, यूआरएल कॉपी कर लें दोबारा, ये खुला हुआ यूआरएल है उसको भी रिफ़्रेश करने से वहाँ पे भी शो कर देगा ये। इसी को ही रिफ़्रेश भी कर लेंगे तो आ जाएगा, आ गया सही है। तो अब आप जब भी चेंजेस आपने करनी है आपने क्या करना है, उस चेंजेस को गिटहब में भी पुश करना है और उसको बिल्ड रन करके उसको नेटलीफाई पर डिप्लॉय भी करना है, ठीक है। अच्छा एक बात और, गिटहब में जाइएगा ज़रा, गिटहब में जाएँ वापस, github.com की जो रिपॉजिटरी खुली हुई थी आपकी, इसमें ज़रा कोड पे क्लिक कीजिएगा, कोड पे क्लिक करें। अच्छा अब आप यहाँ पे नोट करें कि कुछ फोल्डर यहाँ पे पुश नहीं हुए हैं, ठीक है, कुछ जी फोल्डर। अब जब आप इसको क्लोन करेंगे इसका ज़रा नया क्लोन लीजिएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है जो सब लोगों को फेस करनी पड़ रही है, इसका नया क्लोन लेना है अब आपने। कॉपी करें कोड, ये ग्रीन वाले बटन से जाके वो लिंक कॉपी करें इसका और नया क्लोन लें इसका। इमेजिन करें कि आप किसी दूसरे कंप्यूटर पर बैठे हैं और आप उसको क्लोन लेके आप दोबारा से काम शुरू करना चाह रहे हैं, जहाँ से आपने रोका था वहीं से दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं आप, तो अब आप एक जाके नए फोल्डर में ना इसका क्लोन बना दें नया। उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है बहुत ना, सब लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर भी, इस जगह पे नहीं। हाँ यहाँ पे ना एक न्यू क्लोन के नाम से इसको कोई करके ना, अच्छा सर, ये ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है ये सब क्या है? ये असल में ये उसकी गिट बैश स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उसको फ़िलहाल छोड़ दें, कुछ चीज़ों का एक्सेस नहीं मिल रहा असल में उसको। अच्छा ये कमांड ना एरर दे देगा वैसे आपके, कर चला कर देखें एरर दे देगा ये, मोस्ट प्रोबली एरर इसलिए दे देगा कि इस नाम से पहले से फोल्डर मौजूद है। पेस्ट करें, ये क्या होता है यार, ये पहली दफ़ा में गलत पेस्ट हो जाता है। रिमूव करें इसको, रिमूव करके दोबारा से पेस्ट करें। एंटर करें, हाँ ये देखें ना एरर दे दिया। आप टर्मिनल को ज़रा साइड पे कीजिएगा ताकि फ़ोल्डर मुझे नज़र आए क्या फ़ोल्डर बने हुए। ये असल में ना इस नाम से पहले फ़ोल्डर बना हुआ है रिएक्ट ऐप के नाम से, इसको F2 दबा के ना इसको रीनेम कर दें, क्लिक करें फोल्डर पे और F2 दबा के इसको नेम चेंज कर दें इसका, ताकि क्यों, रिएक्ट हाँ रिएक्ट ऐप का जो पहले से बना हुआ है ना, क्योंकि फ़ोल्डर ये, या तो क्लोन कहीं और पे ले लें इसका, प्रोजेक्ट के रिएक्ट जेएस के अंदर जाके क्लोन ले लें इसका, रिएक्ट जेएस के अंदर जाके क्लोन ले लें, इसको बंद कर दें।
हाँ यहाँ पे कर लें क्लोन, ये दोनों, हाँ ये दोनों बंद करके ना नया खोल लें। एरो अप दबाएं वो आ जाएगा खुद ही, एरो अप आ रहे हैं? नहीं अच्छा चलें दोबारा से लिख लें। अच्छा ये आ गया, अब ज़रा साइड पे करें उसको, फोल्डर देखें कहाँ क्या है फोल्डर में। हाँ जाएँ इसके अंदर जाएँ, इसको वी एस कोड में ओपन करें। हाँ वही उसमें से कर लें, टर्मिनल से ही कर लें, कोड स्पेस डॉट करके, पहले सीडी करके रिएक्ट ऐप के अंदर जाएं, टैब दबा दिया करें, थोड़ा सा लिख के ना टैब दबा दें पूरा हो जाता है वो, एंटर। अच्छा ये अंदर आ गया उसके, अब कोड स्पेस डॉट लिखें खुल जाएगा। अच्छा अब इसमें, अब इसको रन करना है हमें, ये तो गिटहब से क्लोन तो कर लिया, उसको रन करना है। अब ये रन कैसे होगा, जाएं टर्मिनल में जाके लिखें एन पी एम स्टार्ट, अच्छा अब देखें ये ना क्या हुआ, एन पी एम स्टार्ट इसमें काम नहीं करेगा अब। अच्छा एन पी एम रन बिल्ड करेंगे तो वो भी काम नहीं करेगा, एन पी एम रन बिल्ड लिखें देखें वो भी काम नहीं करेगा, कुछ भी कमांड इस पर काम नहीं करेगी, सही है। अब इसका क्या हल किया जाए, ये क्या मसला हो गया भाई, ठीक है अब वो बिल्ड का फोल्डर ही नहीं बन रहा, वो काम ही नहीं कर रहा। अच्छा इसमें जो है वो नॉट मॉड्यूल का फोल्डर, क्योंकि वो गिट में पुश नहीं होता है तो जब आप क्लोन लेंगे तो नॉट मॉड्यूल का फोल्डर नहीं आता और उसके बगैर कुछ भी काम नहीं करेगा। अब वो नॉट मॉड्यूल के फोल्डर को ना आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो आप पैकेज डॉट जेसन की फाइल अगर आप ओपन करें तो उसमें आप ओपन करके दिखाएं मुझे, इसमें आप देखें तमाम डिपेंडेंसीज़ की ना लिस्ट बनी हुई है, लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 12 तक, ये तमाम इसके डिपेंडेंसीज़ हैं जो लाइब्रेरीज़ जो हैं जो जिसके ऊपर ये चल रहा है, तो वो तमाम लाइब्रेरीज़ नॉट मॉड्यूल के फ़ोल्डर में होती हैं। तो वो फ़ोल्डर तो क्योंकि पुश हुआ ही नहीं था गिटहब में और ना वो वापस आया, लेकिन उन तमाम डिपेंडेंसीज़ के नाम मेरे पास मौजूद है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके जो नीचे टर्मिनल है इस पे जाके कमांड आप रन करें एन पी एम इंस्टॉल, और आगे कोई और नाम ना लिखें, बस एन पी एम इंस्टॉल लिख के एंटर कर दें। उससे क्या होगा कि ये इस पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में से देखेगा कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी इसको चाहिए, वो तमाम डिपेंडेंसी ला के दोबारा से इंस्टॉल कर देगा पहले की तरह, एन पी एम इंस्टॉल, या एन पी एम इंस्टॉल की जगह एन पी एम आई भी लिख सकते हैं, वो भी एक ही बात है, सही है, एन पी एम आई और बस एंटर। इसके आगे कोई नाम नहीं लिखना हमें, क्योंकि नाम लिखेंगे तो फिर वो इंस्टॉल होगा, और अगर कोई नाम नहीं लिखते ना तो फिर ये पैकेज डॉट जेसन में से जाके जो इस प्रोजेक्ट की जो भी डिपेंडेंसीज़ हैं वो सब ला के इंस्टॉल कर देता है। तो देखिए अब नॉट मॉड्यूल उसका वापस आता आता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है वापस। सही है, ये थोड़ा थोड़ा करके पूरा वापस आ जाएगा अभी। अच्छा देखें अब ये नॉट मॉड्यूल वापस आ गया ना, अब एन पी एम स्टार्ट आप चलाएंगी तो चल जाएगा। अच्छा सर ये क्या है, ये जो लाइब्रेरीज़ है ना जिस पर ये डिपेंडेंट है, उस लाइब्रेरीज़ के अंदर कुछ मसले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है जो नॉट जे एस ने आइडेंटिफाई किया है, लेकिन ये आपको सही करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइब्रेरी वाले खुद सही करेंगे, आप इसको जाने दें। सर मैंने आइकन के लिए भी इंस्टॉल की थी ना तो उसमें भी इसी तरह आ रहा था, तो वो मतलब हमें उसमें कुछ नहीं करना, नहीं हमें इस केस में हमें नहीं करना कुछ। अब वो आइकन वाले का मैं मुझे पता नहीं है कि क्या सीन है, लेकिन इसमें जो अभी जो एरर है ये इस लाइब्रेरी में प्रॉब्लम है जो ये अभी हमने इंस्टॉल की है, ठीक है, रिएक्ट में रिएक्ट डॉम में इसमें प्रॉब्लम है, ये लोग खुद फिक्स कर देते हैं, आपको नहीं करना। अच्छा एन पी एम स्टार्ट करें, अब ये चल जाएगा। देखें अब बिल्कुल सही चल गया, पहले जो नहीं चल रहा था अब सही चल गया, नॉट मॉड्यूल का फोल्डर नहीं था इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था वो।
सही है, वही कोड लिखा हुआ आ गया जो हमने लिखा था जहाँ तक। अब इसमें एक नया टर्मिनल स्प्लिट करके ना एन पी एम रन बिल्ड चलाएं, वो भी चल जाएगा सही बिल्कुल। स्प्लिट टर्मिनल का बटन दबा दें, हाँ ये एक तरफ चल रहा है बिल्ड और स्टार्ट, और एक तरफ चला दें इसको एन पी एम रन बिल्ड। सही है, देखें बिल्ड का फोल्डर भी इसने बना दिया, तो ये बिल्कुल प्रोजेक्ट वैसा ही हो गया जैसा पहले था। तो गिट पे पुश करने के बाद जब नया क्लोन लेते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी मैंने सारी आपको कवर करवा दी। ये सब समझ आया आपको फारिया जो मैंने सारी बातें बताई हैं? जी सर। ठीक है, बाकी सब लोगों को भी समझ आया, ये प्रॉब्लम सब लोगों के पास आ रही होंगी होपफुली, इसीलिए मैंने ये सब कवर करवाया है। ठीक है, यस सर, समझ में आई है। हाँ ये सब रिकॉर्ड भी हो गया, तो आप वीडियो बाद में भी इसकी देख सकते हैं आगे। आई नहीं थी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन ये क्या अगर आएगी तो हम सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि इससे पहले जब हम बनाते थे ना HTML का प्रोजेक्ट, तो उसमें ऐसा नहीं होता था कि कोई मतलब जैसे नॉट मॉड्यूल टाइप की कोई ऐसी चीज़ के जो पुश नहीं हो रही, तो इसमें अब ऐसी चीज़ें हैं और उसके बगैर फिर वो प्रोजेक्ट चलता नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा मतलब ऐसा, मुझे एक दूसरे सेक्शन भी चल रहा है ना मेरा, तो उसमें मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर जब ना इस प्रोजेक्ट को हम गिटहब में पुश करते हैं ना तो ये प्रोजेक्ट ख़राब हो जाता है, फिर ये चलता ही नहीं है। तो असल में वो यही नहीं कर रहे थे, मिस कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा NPM इंस्टॉल आपको फिर चलाना पड़ेगा जब आप नया क्लोन लेंगे। तो जब NPM इंस्टॉल चला तो दोबारा से सही हो गया प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा अब ज़रा मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर देता हूँ। अच्छा सर, ये भी देखिए, ये मैंने फॉन्ट आइकन का किया था तो वहां पे एरर आ रहा था, इंस्टॉल तो हो गया वो इसी तरह। जी कैसे इंस्टॉल किया था आपने, ज़रा करके दिखाएं इस प्रोजेक्ट में, नए वाले में, इस नए वाले प्रोजेक्ट में करके दिखाएं मुझे। हाँ इसी में ही कर दें, इसी में कर दें, इसी में कर दें, ये जो साइड पे खुला हुआ है ना जिसमें रन चलाया था आपने, इसी में ही चला दें इसको, एंटर। देखें जो जो चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं ना आप, वो पैकेज डॉट जेसन में आता जा रहा है डिपेंडेंसीज के अंदर। देखें दो आ गया, अभी तीसरा भी आएगा, एक लाइन नंबर 6-7 में आ गया, अभी 8 में भी आ जाएगा तीसरा, तीनों आ गए। अच्छा अब आगे क्या किया आपने? जी वो यही लिखा हुआ आ रहा था तो मतलब इसका कोई मसला नहीं है। हाँ अभी तो ये इंस्टॉल हुआ है जस्ट, अब इसको यूज़ कैसे किया था आपने, क्योंकि मैंने ये अभी तक पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन आप खुद से कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। किया था ये? अच्छा मेरा ख्याल है अभी तक आपने सिर्फ इंस्टॉल किया, चला के नहीं देखा, राइट? ये चला के भी देख लिया? चला, हमने भी इसी तरह से लगाए थे, इंस्टा का क्लोन बनाया मैंने, उसमें किया। अच्छा वेल डन यार, सर रिएक्ट के साथ कोई यूआई लाइब्रेरी हम यूज करेंगे, उसका यूज देखेंगे क्या? जी हम मटेरियल यूआई का इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा, रिएक्ट तो सीख जाए पहले, यूआई लाइब्रेरी भी देख लेंगे।
वेल डन यार, आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई हैं, आपने सारा कोड लिख लिया जल्दी जल्दी। सर ये दो या दो, फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने एक ही ये फंक्शन को रेंडर किया है ना, अगर दो तीन फंक्शन को भी रेंडर कर सकते हैं। हाँ अभी हम वो करके देखेंगे, दो तीन को भी करके देखेंगे ना। ठीक। और सर एक ये थोड़ा टॉपिक से हटकर एक क्वेश्चन है, जी अभी करंटली वेब 2.0 यूज़ हो रहा है या 3.0? अभी ये 2.0 है, हम 3 इसमें कवर नहीं कर टू रहे इस पॉइंट कोर्स में। नहीं, वैसे जो जनरली मार्केट के अंदर यूज़ हो रहा है वो वेब 3.0 है। वेब 3.0 तो आया नहीं है ना अभी, वो तो आने में टाइम है अभी, अभी तो 2 ही चल रहा है। इसको सर थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, इसमें वो ब्लॉकचेन और AI के हवाले से बता रहे थे ना। हाँ जो वेब 3.0 से रिलेटेड कोर्स है ना मेरा, वो दूसरा वाला है चैटबॉट का, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैटबॉट, उसमें अभी एडमिशन्स ओपन है, वो 3.0 ठीक की है। चीज़ें थ्री उसमें कवर हो रही हैं। पॉइंट ओ का सर थोड़ा सा अगर जनरल सा आइडिया बता दें, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वो आज का जो पॉडकास्ट हुआ था ना फेसबुक पे लाइव, वो अगर आप वो लाइव देखेंगे जो आ तो, रहे थे आपका, जी, ठीक है उसमें थोड़ा सा इस बारे में ठीक है डिस्कशन हुई है, तो वो अगर आप सुन लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक। क्योंकि वो सलानी वालों का तो मैंने देखा था, इस बार उनका ऑनलाइन नहीं है ना, नहीं वो सारा ऑफलाइन ही है। हाँ चलें व्यू में देख लूंगा वीडियो। ये आ गया सर। वेल डन, ये तो चला भी लिया आपने, बहुत ज़बरदस्त यार। हाँ भाई लड़कों, ये तो आगे निकल गई हमसे, सब सब लोगों से। कोई और और भी है हमने जिसने ये चीनी चलाया बनाई थी है? ना, उसमें हमने ऐसे आइकन लगाए थे। अच्छा आपने भी लगा लिया है, गुड यार, वेल डन जब चीनी बनाई थी सर ना, हमने भी लगाया। यार, तुम लोग तो बड़े तेज़ निकले, गुड यार। अच्छा भाई तो सर आपने आई थिंक सीवी में नोट नहीं किया, नहीं, हाँ वो CV में मैंने नोट नहीं किया कि आपने ये फॉन्ट वगैरह लगाया है। अच्छा आपने तारीफ भी की थी हमारी। हाँ तारीफ तो की थी लेकिन मैंने नोट नहीं किया था ये। चलो यार बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। अच्छा थैंक यू सर। ये तो फारिया आप सवाल पूछ रही थी लेकिन ये आपने तो पूरा कर लिया खुद ही है ना। सर आपकी मेहनत है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता अच्छा चलें अब मैं और थोड़ा सा सिखाता हूँ, आज स्क्रीन शेयर करके था। आज का ओके हम सर, थैंक टॉपिक शुरू करते हैं। यू। मर्ड स्टैक ही आ गया जी आपका। अच्छा जी, तो लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट तक हमने कवर कर लिया था, और इसका कोड ज़रा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या था इसमें। कि एक कंपोनेंट था
और उसको हम क्या करते थे, एक दूसरे कंपोनेंट के अंदर उसको हम रेंडर करते थे। अच्छा, तो ये डायनेमिक रीयूजेबल कंपोनेंट तक तो हमने कर लिया था। अब आगे चलते हैं और वो डेव सीडिया वाला जो आर्टिकल है ना, उसमें आगे देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या बताया हुआ है। इस आर्टिकल में सर इसने प्रॉप्स तो कवर किया है, लेकिन वो जो चिल्ड्रन प्रॉप है ना वो उसने शायद स्किप कर दिया। चिल्ड्रन प्रॉप की ज़रूरत पड़ती है क्या? चलो वायरल अभी पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसकी ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती। अच्छा, पासिंग प्रॉप तो हमने ये देख लिया था, उसके बाद हमने रिसीविंग प्रॉप्स भी हमने देख लिया था, राइट, कि रिसीव कैसे करते हैं उसको। ज़रा मैं एक दफ़ा कोड देखूँ कि क्या कर लिया था हमने। हाँ, ये हमने रिसीविंग प्रॉप्स भी देख लिया था। अच्छा, और आगे इसके क्या था, अ फ्यू बिट ऑफ ES6। अच्छा, ये फंक्शन भी हमने चारों कवर कर लिए थे या ये रहते हैं अभी? जी सर, हो गए थे, ये कवर कर लिए थे। आपने शायद ये सेकंड लास्ट को रिकमेंड किया था कि हम यूज करेंगे सेकंड लास्ट वाले। यार मैं कहाँ गुम होता जा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, जो ये वाला था ना लास्ट, सेकंड लास्ट, मोस्ट प्रॉब्ली ये ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, योर टर्न के अंदर ये मीडिया कार्ड था, ये आप सब लोगों ने बना लिया है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमारी बारी है, स्टेट की बारी है। अच्छा, स्टेट किस चीज़ को कहते हैं, कौन बताएगा? अंग्रेज़ी में स्टेट किस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि नाम में सारी कहानी छुपी हुई है, तो नाम समझ में आएगा तो सब कहानी समझ में आ जाएगी। मौजूदा हालत किसी चीज़ की, मौजूदा हालत को हम स्टेट कहते हैं। और कोई बताना चाहेगा इनमें से, जो भी क्लास में लोग मौजूद हैं? अच्छा, हम ना ज़रा गूगल करते हैं कि स्टेट का मतलब क्या है। अ पर्टिकुलर कंडीशन दैट समवन और समथिंग इज़ इन एट अ स्पेसिफिक टाइम। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि जैसे बोलते हैं ना स्टेट ऑफ माइंड, कि अभी अभी दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड, अभी मूड अच्छा है, मूड ख़राब है, तो वो टाइम के साथ भी एसोसिएटेड है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन हो, ठीक है, किसी के साथ या किसी चीज़ के साथ या किसी बंदे के साथ एट अ स्पेसिफिक टाइम, कि इस वक्त, मिसाल के तौर पे जो स्टेट होती है वो परमानेंट नहीं होती कभी भी, ठीक है, वो टेम्प्रोरी होती है। बंदे का जैसे स्टेट ऑफ माइंड की अगर हम बात करें तो वो वक्त के साथ साथ चेंज होता है, तो टेम्प्रोरी रहता है। तो अब ये स्टेट जो है, कंपोनेंट की भी एक स्टेट होता है। कंपोनेंट का स्टेट जो होता है वो क्या होता है, कि कंपोनेंट की इस वक्त हालत क्या है। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके अंदर कंपोनेंट का स्टेट चेंज नहीं होता था, कंपोनेंट सेम रहता था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे स्टेटफुल कंपोनेंट। अच्छा, असल में प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्टेट कहते हैं ना, वो हम कहते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कि जो चीज़ वेरी होती है वो वेरिएबल। तो स्टेट जो है वो वेरिएबल को असल में कह रहे होते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर जहाँ पर भी स्टेट की बात आए, असल में वो वेरिएबल की ही बात हो रही होती है। अच्छा, तो ज़रा अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि ये क्या कोई नए किस्म का वेरिएबल आ चुका है रिएक्ट के अंदर जिसकी हम ये बात कर रहे हैं। नो लॉन्गर सेटिस्फाइड विद मेयरली सेइंग हेलो वर्ल्ड। अच्छा, कह रहे हैं अभी तक हेलो वर्ल्ड करके थक गए हो, मज़ा नहीं आ रहा। वी आर लॉन्चिंग इन टू न्यू एक्साइटिंग अनचार्टेड वाटर्स। कह रहे हैं हम एक ऐसे पानी में अब दोता लगाने लगे हैं जिसमें आप आज से पहले नहीं गए। टर्निंग द लाइट ऑन एंड ऑफ। कह रहे हैं कि अब हम ना ऑन ऑफ करके चेक करेंगे कुछ। आई नो इट्स वेरी एक्साइटिंग, आई एम एक्साइटेड एनी वे। कह रहे हैं कि मुझे पता है ये बड़ा एक्साइटिंग है और मैं भी एक्साइटेड हूँ। सो फार वी हैव रिटन अ टाइनी फ्रेंडली रिएक्ट ऐप। कह रहे हैं कि अभी तक हमने क्या कर लिया वो एक नज़र मारते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कस्टमाइज दैट ऐप टू ग्रीट लिटरली एनीवन इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे केस में हमने छोटी सी CV तैयार की थी आप सब लोगों ने, ठीक है, जो हेलो वर्ल्ड बनाया था हमने। अच्छा, होपफुली वर्क थ्रो सम ऑफ द एक्सरसाइज आई स्लेव्ड ओवर। कह रहे हैं कि जो मैंने आपको ज़बरदस्ती जो एक्सरसाइज करवाई है थोड़ी बहुत, वो भी आपने कर ली होगी। लर्न दैट रिएक्ट इज़ नॉट सो स्कैरी। आपने अभी तक ये समझ लिया होगा कि रिएक्ट इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना लोगों ने उसको बताया हुआ है। बट इट इज़ ऑल्सो प्रीटी स्टेटिक सो फार। कह रहे हैं बट अभी तक जो हम लिखते हैं वो स्टेटिक होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, HTML की वेबसाइट की तरह होता है, वेब 1.0 की तरह होता है, कि उससे कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा होता। इन दिस नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू ब्रेक एनी वे ब्रेक अवे फ्रॉम द स्टेटिक पेजेस, लर्निंग हाउ टू यूज़ स्टेट।
अब ये स्टेट फुलनेस की बात हो रही है कि स्टेट क्या चीज़ होता है और वो अच्छा। आवर प्रोजेक्ट विल बी अ पेज वेयर द यूज़र कैन टॉगल द लाइट एंड ऑन एंड ऑफ बाई क्लिकिंग अ बटन एंड बाई लाइट्स आई मीन द बैकग्राउंड कलर। कह रहे हैं अब हम एक पेज बनाने लगे हैं जिसका बैकग्राउंड कलर हम क्या करेंगे, एक बटन के क्लिक पे उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे, ब्लैक वाइट यानी लाइट ऑन ऑफ का थोड़ा हम फील देंगे। बट हे इफ़ यू हुक दिस विथ IoT इन योर हाउस आई टोटली वॉन्ट टू हेयर अबाउट इट। कह रहा है कि मे बी कल को आप क्या करें कि इस पूरे पेज को अपने IoT की डिवाइस से जो है ना वो कनेक्ट कर दें कि जब लाइट ऑन ऑफ हो तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो। वेल कह रहा है अब नया प्रोजेक्ट बनाते हैं इस चीज़ के लिए हम, ठीक है, इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं एक अदद नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मैं भी क्या करता हूँ इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे बोला कि भाई फोर, अच्छा ये कॉपी हो रहा है, टाइम लगा रहा है कॉपी होने में। अच्छा ये कॉपी हो गया। तो मैंने बोला कि फोर और स्टेट फुल कंपोनेंट्स, ठीक है, स्टेट फुल कंपोनेंट कह दिया मैंने। इसका मैं नाम भी चेक कर लेता हूँ, स्टेट फुल का मैंने गलत तो नहीं लिखा, सही है, ठीक है। तो स्टेट फुल कंपोनेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा SRC में आया मैं और इंडेक्स की फाइल में आया तो यहाँ पे वो तमाम पिछला कोड लिखा हुआ है, मैं इसको क्या कर देता हूँ उड़ा देता हूँ, पिछला कोड जो भी लिखा हुआ था, ठीक है। ये ब्रांड न्यू कोड अब हम लिखेंगे यहाँ पे index.js की फाइल में। याद रखें ये वही प्रोजेक्ट है जो लास्ट हमने बनाया था, जस्ट मैंने इसकी एक कॉपी बना के ना इंडेक्स को खाली करवा दिया, ठीक है। ये वही प्रोजेक्ट है जो लास्ट हम ये डायनेमिक वाला जो है ना इसी फोल्डर का मैंने number 3 का कॉपी बना के number 4 नाम रखा है और इसका मैंने इंडेक्स की फाइल जो थी इसको खाली करवा दिया। अच्छा अब क्या कह रहा है ये, कह रहा है भाई ये बना दो यहाँ पर। तो आ जाते हैं ये बना लेते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बना दिया। अब इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने दो लाइन तो शुरू की जो लिखी हुई है वो बिल्कुल सेम है जो पहले होती थी वही है। उसके बाद एक फंक्शन है, अच्छा ये फंक्शन क्या है, कैपिटल R से शुरू है, ठीक है। इस फंक्शन का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल है और ये रिटर्न क्या करता है, एक अदद JSX। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक अदद कंपोनेंट है ये, ठीक है। कंपोनेंट की पहचान क्या है कि उसका जो पहला कैरेक्टर होता है वो कैपिटल होगा, जैसे जब हमने हाई लिखा था तो H कैपिटल था अगर आपने नोट किया हो। अच्छा इसको अगर मैं स्मॉल कर दूंगा ना ये एरर देना शुरू कर देता है, ठीक है, इसको कैपिटल ही रखना होता है आपने। अच्छा और उसके बाद क्या होता है, रिटर्न वो करता है JSX। तो ये दो चीज़ें अगर किसी भी फंक्शन में हो रिएक्ट में तो उसको हम फिर रिएक्ट कंपोनेंट कहते हैं। और फिर उस रूम के कंपोनेंट को क्या करवा दिया इसने, स्क्रीन पे रेंडर करवा दिया। तो हम क्या करते हैं इतना कोड जो अब लिखा हुआ है ना इसको ज़रा रन भी कर देते हैं साथ साथ ताकि स्क्रीन पे हमें दिखता रहे कि क्या चल रहा है। मैं चला जाता हूँ CD4 स्टेटफुल कंपोनेंट और उसके बाद स्टेटफुल कंपोनेंट में जाके मैं NPM स्टार्ट कॉल कर देता हूँ। NPM स्टार्ट मैंने कॉल कर दिया, राइट। ठीक है अब आप देखें स्क्रीन पे जो था ना प्रोजेक्ट मेरा रन होके स्क्रीन पे दिख गया और मैं जब जाऊंगा यहाँ पे कॉन्सोल पे, ठीक है, कॉन्सोल में हर वक्त ओपन करके इसलिए रखूँगा प्रोजेक्ट चलाने के दौरान ताकि मुझे अगर कोई भी एरर आए ना तो कॉन्सोल पे मुझे फ़ौरन से नज़र आ जाए वो एरर। अच्छा तो अब मैं जो जो कोड यहाँ लिखता जाऊँगा वो मुझे स्क्रीन पर रियल टाइम में दिखता भी जाएगा, उसमें कोई एरर आएगा तो वो भी मुझे पता चलता रहेगा। इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा मैं, ये चल रहा है, ठीक है, इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ, क्रॉस कर दूंगा तो भी चलता रहेगा बैकग्राउंड में। अच्छा अब इसके यहाँ तक तो मैंने कोड लिख भी लिया और इसको चला भी दिया, अब आगे देखते हैं कि इसने आर्टिकल में आगे क्या बताया है। अच्छा वी गोना स्टार्ट अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट गो हेयर, अच्छा ये कोड सैंडबॉक्स में ही करवा रहा है अभी तक, लेकिन हम क्या कर चुके हैं, हम अपने PC में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, हम कोड सैंडबॉक्स में नहीं करते हैं। अच्छा कह रहा है दिस इज़ नथिंग यू हैव सीन बिफोर, जस्ट अ रूम कंपोनेंट, कह रहा है ये वही है जो पहले से आप देखते हुए आ रहे हैं और इसमें कुछ अभी फ़िलहाल नया नहीं है। अब ये कह रहा है कि मेक द कंपोनेंट स्टेटफुल, अब इसको स्टेटफुल बनाने के लिए करना क्या होगा हमें, ये तो कंपोनेंट तो इतना पहले भी हम बना चुके हैं। आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस अबाउट लाइट स्विचेस बट दे कैन बी इन वन ऑफ टू स्टेट्स, कह रहा है कि जो लाइट का जो स्विच होता है ना वो दो में से एक ही हो सकता है, या तो होगा एक वक्त में वो ऑन या तो होगा एक वक्त में वो ऑफ। कन्वीनियंटली रिएक्ट हैज़ अ फीचर कॉल्ड स्टेट विच अलाउज कंपोनेंट टू कीप ट्रैक ऑफ वैल्यूज दैट कैन चेंज,
कह रहे हैं कि अब रिएक्ट के अंदर ना हम क्या कर सकते हैं, एक अदद वेरिएबल ऐसा बना सकते हैं जिसमें हम क्या करवा सकें, पहले शुरू में ऑन रखवा दें, बाद में ऑफ रखवा दें, उसको चेंज भी करते रहें फिर बाद में। सही है, तो ऐसा वेरिएबल रिएक्ट के अंदर हम बना सकते हैं, अ परफेक्ट प्लेस टू स्टोर द स्टेट ऑफ आवर लाइट। ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे कि लाइट हमारी ऑन है या ऑफ है, इस बात को हम स्टोर करेंगे। अच्छा, अब करने के लिए करना क्या होगा, इन ऑर्डर टू ऐड द स्टेट इन आवर रूम कंपोनेंट, वी कैन आइदर टर्न इट इन टू अ क्लास कंपोनेंट और ऐड द स्टेट डायरेक्टली टू द फंक्शन विथ हुक्स। अच्छा, रिएक्ट जब शुरू में आई थी ना, तो रिएक्ट के अंदर क्लासेस होती थी ना, तो अब तो क्लासेस जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं, तो ये क्लास कंपोनेंट को ना आप बिल्कुल इग्नोर करें। अब हम क्या करेंगे, हम फंक्शंस ही इस्तेमाल करेंगे हुक्स के साथ, राइट, फंक्शंस ही के ज़रिए सारा काम होगा। रिएक्ट जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट है फ्यूचर रिएक्ट का। ठीक है, अच्छा, वी कैन कॉल रिएक्ट यूज स्टेट हुक। अब रिएक्ट के कंपोनेंट में वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यूज स्टेट का इस्तेमाल करना होगा, यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करना होगा। अब ये हुक क्या होता है, ये थोड़ी देर में हम समझते हैं, लेकिन पहले ज़रा ये हेलो वर्ल्ड तो कर लें हम इसका। टू क्रिएट अ पीस ऑफ स्टेट टू होल्ड द लाइट स्विच वैल्यूज। अच्छा, कह रहे हैं कि आप ना ये ऐसे करके बना लो ये। सही है, तो हम क्या करते हैं, इसको ज़रा जाके लिखते हैं हाथ से अपने कोड में। मैंने कहा भाई कांस्टेंट, ठीक है, और क्या इसने बनाया, हाँ, लिट और इज लिट और सेट लिट, ये नाम रखा है ना इसने। ठीक है, इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, ऐसा करवा दिया मैंने। सही है, रिएक्ट के अंदर वेरिएबल बनाने का ये तरीका है। सही है, अब रिएक्ट के अंदर हम वेरिएबल ऐसे क्यों बनाते हैं ये भी हम थोड़ी देर में समझते हैं, और ये नॉर्मल वेरिएबल से कैसे मुख्तलिफ है ये भी हम थोड़ी देर में समझते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने वेरिएबल बना के तैयार कर दिया, राइट। अब ये वेरिएबल बना के जो तैयार हो गया, अब देखें आगे क्या कह रहा है ये, वी हैव एडेड द कॉल टू रिएक्ट डॉट यूज स्टेट एट द टॉप पासिंग इन द इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रू। अच्छा, ये स्टेट इनिशियल स्टेट ट्रू भी इसने पास किया हुआ है, ये हम भी ये भी पास कर देते हैं यार। मैं वहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला के पढ़ा दूँ, वहाँ चला जाऊँगा। जल्दी से करके जाओ यार, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। वेल, वी हैव एडेड द कॉल टू रिएक्ट डॉट यूज स्टेट एट द टॉप। कह रहा है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट को हमने कॉल किया है, यानी कि हम रिएक्ट का वेरिएबल बना रहे हैं असल में, हम ये नॉर्मल वेरिएबल हम नहीं बना रहे। अच्छा, और हमने क्या किया है, पासिंग द इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रू। अच्छा, और ये देखो, ये कॉन्स्ट करके बनाए वेरिएबल, अच्छा ये लेट करके भी बना सकते हैं, लेट और कॉन्स्ट दोनों से बन जाते हैं वेरिएबल। अच्छा, ये वेरिएबल का मेरे नाम है, और ये मैंने इसके अंदर रखवाया क्या है, रिएक्ट का स्टेट रखवाया है, और मैंने बोला इसको अभी शुरू में रख दो ट्रू, बाद में इसको मैं चेंज कर दूंगा, फॉल्स भी कर सकता हूँ। जी दोस्त, फंक्शन को, ये जो फंक्शन है ये वाला नहीं, इसको फिलहाल अभी ऐसे ही लिखते हैं, अभी अभी देखते हैं, अभी हम अब अभी पहले स्टेट को समझते हैं, इस फंक्शन को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये आपने असल में सवाल करना था पिछली क्लास में, ये हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह जरूर के क्या इस वेरिएबल के नाम आपने दो रखे हैं। हाँ, अभी अभी दोनों को भी देखते हैं कि ये दोनों क्यों हैं, पहले तो इसको ज़रा चला के देख लेते हैं ना चलता कैसे है, फिर हम एक एक ये एक एक कैरेक्टर्स का हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, वैसे क्यों लिख रहे हैं। अभी आप इसको ऐसे समझें कि कॉन्स्ट करके और वेरिएबल का नाम लिखा है, और इसमें शुरू में क्या रखवा दिया, ट्रू, आप इसको अभी फ़िलहाल इतना समझें। अच्छा, अब क्या हुआ आगे, अब ये जो बनाया ना हमने वेरिएबल, तो ये हमें क्या चीज़ रिटर्न करता है, ये हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है ये वेरिएबल, एक देता है ये इज लिट और एक देता है सेट लिट। उसको हमने क्या किया, एक ये इसको हम डीकंस्ट्रक्टर कहते हैं,
डीकंस्ट्रक्शन के जरिए ना एरे के दो एलिमेंट को मैंने अलग करवा लिया है, ठीक है। अच्छा ये बाय द वे हमेशा इसको इसी तरह लिखा जाता है, तो इसको इतना ज़्यादा मतलब वो भी करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ये कैसे होता है, इतना बैकग्राउंड जानने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये डीकंस्ट्रक्टेड ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है। हमेशा इसको ऐसे समझें, वेरिएबल बनाने के लिए हमेशा आपको यही लाइन लिखनी है, सही है। अच्छा अब ये ना बता रहा है कि यार बैकग्राउंड में असल में हो क्या रहा है, कह रहा है कि ये रिएक्ट डॉट यूज स्टेट ना आपको असल में देता है एरे, तो आप एरे को क्या करते हैं, एरे का जो जीरो इंडेक्स है वो आपको इज लिट में रखवा देते हैं और जो वन इंडेक्स है वो आप सेट लिट में रखवा देते हैं, और फिर उसका जो शॉर्टकट है वो कैसे होता है, उसका शॉर्टकट जो है वो ये है। लेकिन आप इसको ना हमेशा इसी तरह ही लिखा जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही समझेंगे यार ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अब ये वेरिएबल बन तो गया, बनाना तो हमने सीख लिया, अभी हम देखते हैं कि इसकी इसमें एक एक छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, लेकिन अभी हमने फिलहाल बना लिया एटलीस्ट। अब बना तो लिया है, लेकिन अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम अब चेंज कैसे करेंगे, इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। अच्छा उससे पहले इसमें ना एक काम और भी है, एक काम और ये कह रहा है यार ये जो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट लिखते हैं ना इसको थोड़ा शॉर्ट अगर करना चाहते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, ऐसे यूज स्टेट को ऊपर इंपोर्ट करवा के ना आप रिएक्ट डॉट यूज स्टेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ यूज स्टेट लिखेंगे। तो ये शॉर्टकट ज़रा जल्दी से कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि यार इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट यूज स्टेट और फ्रॉम रिएक्ट, तो अब मुझे ना ये रिएक्ट डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यूज स्टेट लिखूंगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी जस्ट एक शॉर्टकट की बात थी, ये भी शॉर्टकट की बात है, तो ये शॉर्टकट सारे हमने शुरू में ही देख लिए कि अच्छा यार इस तरह होता है, और ट्रू जो था वो ट्रू रहेगा। अच्छा तो अब हम आ जाते हैं कि यार अब ये स्क्रीन पे जो है वो अब ये अब होगा क्या इसका, ये बन तो गया वेरिएबल, स्टेट तो बन गया, ये हाउ यूज स्टेट वर्क्स अब ये देखते हैं। द वे वी आर यूजिंग रिएक्ट डॉट यूज स्टेट माइट लुक अ बिट वियर्ड, कह रहा है ये जो इस तरह वेरिएबल जो हम बना रहे हैं ना, ये आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या बकवास है, ऐसे थोड़ी बनते हैं वेरिएबल, ठीक है, आपको ये लग रहा होगा शुरू में, आपको वियर्ड फील हो रहा होगा। इफ़ यू हैव बीन कोडिंग आउटसाइड ऑफ रिएक्ट, यानी कि अगर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट में पहले काम करते रहे हैं फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, के थोड़े दिन या ज़्यादा दिन जितने भी दिन, यू लाइकली नो अबाउट वेरिएबल स्कोप। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड एट द टॉप ऑफ अ फंक्शन विल बी वाइप्ड आउट, इरेज्ड, फॉरगॉटन एज सून एज दैट फंक्शन रिटर्न्स, कह रहे हैं कि होता क्या है कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाए जाते हैं, ठीक है, वो फंक्शन के अंदर ही क्रिएट होते हैं वेरिएबल, और जैसे ही फंक्शन वो कंप्लीट होता है वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, वो मेमोरी से इरेज कर दिए जाते हैं वो वेरिएबल, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। सो हाउ इज़ रिएक्ट एबल टू रिमेंबर द स्टेट इन बिटवीन कॉल्स ऑफ द कंपोनेंट, कह रहे हैं कि अब रिएक्ट ये काम कैसे करता है कि भाई इसको ये याद रखता है, हालांकि ये फंक्शन के अंदर बना हुआ है, लेकिन ये फंक्शन जब एक दफ़ा कॉल होगा तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए कॉल कंप्लीट होने के बाद, लेकिन ये बाकी रहता है। तो बिफोर रिएक्ट कॉल योर कंपोनेंट इट सेट्स अप एन एरे टू कीप ट्रैक ऑफ विच हुक गेट कॉल्ड When you called use state in the component, React uses this array behind the scene to keep track initial values and the value as it changes over time. कह रहे हैं कि React कुछ खिचड़ी पकाता है, ठीक है, और खिचड़ी पका के ना इसको कुछ साइड पे सेव कर लेता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन React उसको साइड में सेव करके रखता है। तो यही वजह है कि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये वेरिएबल एक नॉर्मल वेरिएबल से। अच्छा रिमेंबर आई मैंशन अर्लियर रिएक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग योर कंपोनेंट एट रेंडर टाइम, कह रहा है कि आपको शुरू में मैंने जैसा जिक्र किया था कि ये फंक्शन जो बना रहे हैं ना कंपोनेंट का फंक्शन, ये आप कॉल नहीं करेंगे, रिएक्ट कॉल करेगा और उसका जब दिल करेगा जब वो कॉल करेगा, एंड दैट मीन्स रिएक्ट कैन डू सम सेटअप बिफोर हैंड, कीपिंग ट्रैक ऑफ हुक इज़ अ पार्ट ऑफ दैट वर्क, कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्ट जब कॉल करेगा, जब उसका दिल करेगा तो कॉल करेगा, तो वो आपके फंक्शन को कॉल करने से पहले कुछ चीज़ें कर भी तो सकता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको फंक्शन से पहले चलाना अगर वो चाहे तो रिएक्ट ये कर सकता है। तो रिएक्ट असल में क्या करता है, यही करता है कि जितने भी आपके स्टेट वेरिएबल होते हैं ना उन सबको क्या करता है, पहले रीड करके उसको साइड पे सेव कर लेता है ताकि उसको वो भूल ना जाए। अच्छा तो अब ये हमने देख लिया कि यार वेरिएबल बन जाते हैं और वेरिएबल कैसे वो करता है रिएक्ट, कुछ हमें इतना उसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वो रिएक्ट का जो वेरिएबल है उसको हम अब इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसको इस्तेमाल हम ऐसे करेंगे ऐसे करके, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्लीज़ बताइएगा याद है सबको टर्नरी ऑपरेटर? यस सर याद है।
अच्छा, तो अब इसने देखें क्या किया, इज लिट के नाम से जो वेरिएबल था ना, इज लिट के नाम से जो वेरिएबल था उस पर टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया। तो हम भी लगा देते हैं अपने पास आगे, इज लिट जो वो ट्रू है अभी फिलहाल। तो ये जो लिट यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट होता था ना, अब ये डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा। मैंने बोला इसकी जगह पे क्या होगा, एक जावा स्क्रिप्ट होगा। ऐसे करके ही लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट हम करली ब्रेसेस के अंदर। अब करली ब्रेसेस के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो जावा स्क्रिप्ट होगी, राइट। तो मैंने लिखा है था टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। यस सर, इसी तरह है। मैंने कहा लिट और डार्क। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने कहा इज लिट का ये एल मैंने स्मॉल किया, बता ना ये रहा, इज लिट और इज लिट वो सेम हो गया। तो ये जो है ना वेरिएबल को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब होगा क्या, ये टर्नरी ऑपरेटर जो है पूरा, आप लोग सब पहले ये पढ़ चुके हैं, टर्नरी ऑपरेटर एक सिंगल वैल्यू, ये खुद इतना जो सेलेक्टेड है ना ये खुद गायब हो जाएगा और ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। ऐसा ही है। अच्छा, और किस बेस पे करेगा, ये जो कंडीशन इसको यहाँ मिलेगी ना इस बेस पे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पहला वाला रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड वाला रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये पूरा गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक स्ट्रिंग आ जाएगा ऐसे लिट, और जो भी चीज़ यहाँ पे आएगी वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। सही है, ऐसा ही है। तो अब होगा क्या कि जब मैं इसको ट्रू दूंगा तो लिट प्रिंट होगा और इसको मैं फॉल्स दूंगा तो डार्क प्रिंट हो जाएगा। समझ आ गई ये बात सब लोगों को, इसको चला के भी देख लेते हैं इतने को। देखो अभी ना लिट लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे ही मैं इसको फॉल्स कर दूंगा ना इनिशियल वैल्यू को, यानी वेरिएबल में फॉल्स रखवा दूंगा मैं, तो ये रूम इज़ डार्क लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये समझ आ गया सब लोगों को। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं आगे क्या बता रहा है ये तो इसने टर्नरी ऑपरेटर लगा के इस वेरिएबल को इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, कि ये इस्तेमाल कैसे होगा। अच्छा, चेंज द स्टेट व्हेन यू क्लिक अ बटन, कह रहे हैं कि अब ये तो हमने सेटिंग बना दी कि भाई अगर डार्क हो तो स्क्रीन पे डार्क लिखा हुआ जाए, और अगर ट्रू हो तो स्क्रीन पे लिट लिखा हुआ जाए, डार्क हो तो स्क्रीन पे तो फॉल्स हो स्क्रीन पे डार्क लिखा हुआ जाए। यानी वेरिएबल के साथ एसोसिएट कर दिया, डायनेमिक बना दिया मैंने अपने कंपोनेंट को, ठीक है, स्टेटफुल बना दिया मैंने। अब इसने बोला कि क्या करो, आप ऐसे बटन बना लो, और बटन बना के आप क्या करो, सेट लिट को जो है ना चेंज करवा दो आप, ठीक है। आ जाते हैं जी, बटन बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने असल में क्या किया, एक डिव ये वाला था मेरा, और एक डिव मैंने यहाँ पे अंदर बना लिया ताकि मैं बटन भी इसमें अच्छे से बना सकूँ, ठीक है। इन्होंने भी, इन्होंने इस तरह नहीं किया, वेल मैंने इस तरह कर लिया। अच्छा, अब जब मैं बटन पे ऑन क्लिक लगाता हूँ तो ऑन क्लिक पे क्या चलता है मेरे, ये मेरा फंक्शन है पूरा जो ऑन क्लिक पे चलता है। पहले हम अलग से बनाते थे, इसमें फ़ौरन यहाँ पे भी बना दिया तो भी ठीक है। अच्छा, और इसको मैंने क्या बोला, मैंने कहा सेट लिट। सेट लिट जो है ना एक फंक्शन है जो क्या करेगा, इस वेरिएबल को चेंज करने के काम आता है। अच्छा, पहले हम क्या करते थे, पहले जो वेरिएबल बनाते थे, जैसे इज लिट के नाम से एक वेरिएबल बनाया मैंने, तो चेंज कैसे करते थे, इज इक्वल टू फॉल्स, ऐसे करते थे ना पहले। अब ऐसे नहीं होगा, रिएक्ट के अंदर क्या होगा, ये सेट लिट से इसको चेंज करना होगा। मैं सेट लिट को कॉल करूंगा और इसको जो भी वैल्यू दूंगा ना वो जाके उसमें सेव हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, सेट लिट को मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ, मैंने कहा कि क्या करो, इसमें वही चीज़ रखवाओ जो है, क्या रखवाओ, इज लिट। लेकिन उसमें मैंने नॉट लगवा दिया साथ में। नॉट लगाने से क्या होता है, जो भी हो वो उलट जाता है, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो मैंने असल में सेट लिट करवा के इसकी वैल्यू को इस फ्लिप करवा दिया, ठीक है। अगर ट्रू था तो फॉल्स, फॉल्स था तो ट्रू करवा दिया, या टॉगल भी इसको बोला जाता है, टॉगल करवा दिया मैंने। आते हैं अब ज़रा देखते हैं बटन दबाने से कि जब वैल्यू टॉगल होती है मेरे वेरिएबल की तो होता क्या है, ठीक है। शुरू में फॉल्स रखा हुआ है मैंने, आगे देखते हैं जी, फॉल्स था तो लिखा हुआ आ रहा है डार्क, अब मैंने फ्लिप का बटन दबाया तो ये देखें चेंज हो गया। वेरिएबल चेंज होता है तो वो स्क्रीन पे जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती है उसके साथ साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर, हमें बात समझ में आई कि ये जो रिएक्ट का स्टेट जो है ये एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने कंपोनेंट पे जो कुछ डिस्प्ले हो रहा है ना उसके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। जब इस वेरिएबल में कुछ भी चेंज होता है तो वो स्क्रीन पे रियल टाइम में मुझे शो भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इतना सब लोगों को समझ आया, अब हम आगे चलते हैं ज़रा आगे इस आर्टिकल में क्या है इसने बताया। सर, ये वेरिएबल में आपने दो नाम दिए थे, लिट
और ये टैगलेट, ये आपने फंक्शन बनाया है, फंक्शन अगर हम इसलेट के नाम से बना लें, टैगलेट के नाम से बनाया हुआ आपने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अच्छा, ये जो दो है ना, ये दो इसी तरह रखे जाते हैं, कन्वेंशन है ये। जो पहला वाला होता है वो रीड ओनली होता है। असल में ये जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया ना, इसके मुझे दो पार्ट मिले हैं, एक मिला है रीड करने के लिए, एक मिला है चेंज करने के लिए। इस लिट जो है ना, इसमें वो वैल्यू होगी जो करंट वैल्यू इसकी मौजूद है। नाम इसका कुछ भी रख लें, आप एबीसी नाम रख लें, वो फ़र्क नहीं पड़ता, फिर एबीसी के नाम से यूज़ होगा नहीं चाहिए। लेकिन इसका प्रॉपर तरीका ये है कि जो भी वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पर रखा जाए, ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसमें क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम पहला ही जो है लिखते वो हैं। स्टेट बता रहा है और दूसरा स्टेट को चेंज कर रहा है। हाँ, एक जो है वो मुझे डेटा दे रहा है, अभी जो डेटा मौजूद है, और दूसरा वाला है उसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, नॉर्मल वेरिएबल में ना एक ही होता था, उसी से रीड भी करते थे, उसी से चेंज भी करते थे, ऐसे ही होता था ना पहले वेरिएबल में। लेकिन इसमें दो हैं, रीड करने के लिए अलग है, चेंज करने के लिए अलग है। इस लिट को आप चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली, इस फंक्शन के ज़रिए ही चेंज होगा ये। अगर मैं ऐसे बोल दूँ ना यहाँ पे आके कि भाई इज़ लिट इक्वल्स टू ए बी सी, तो ये इज़ लिट चेंज नहीं होगा। इसको चेंज करने के लिए मुझे, अगर इसमें इज लिट में मुझे ए बी सी डालना है, जो कि मैं डाल सकता हूँ ए बी सी, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं बोलूँगा सेट लिट ए बी सी, ये करूँगा मैं। ऐसे करने से चेंज होगा, ऐसे करने से चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। इसको भी मैं बाय द वे हटा देता हूँ अभी। तो आप देखें फंक्शन के क्लिक के ऊपर ना, ऑन क्लिक पे मैंने क्या बोला है, मैंने सेट लिट करके उसको चेंज करवाया है, तो जिससे क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है स्टेट, और जैसे ही स्टेट चेंज होता है मेरी यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। सही है। ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात बता रहा है ये, अब यहाँ पे ये बात बता रहा है कि भाई आप बटन के जो क्लिक के ऊपर ना, आप देखें फंक्शन को पास किया जा रहा है, फंक्शन को कॉल नहीं किया जा रहा। पहले क्या होता था, अगर मैं इस बटन को डुप्लीकेट करूं और पहले वाला अगर बनाऊं मैं, जो एच टी एम एल में हम लिखते थे, एच टी एम एल में हम क्या लिखते थे, लिखते थे ऑन क्लिक, सही है, इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू करके हम क्या करते थे, कोई फंक्शन होता था ए बी सी, उसको हम कॉल करते थे। रिएक्ट में हम उसको कॉल नहीं करते, राइट। रिएक्ट में हम उसको सिर्फ नाम पास करते हैं ऐसे करके, और नाम भी ऐसे नहीं पास करते, कर्ली ब्रेसेस में पास करते हैं, ठीक है। तो आप नोट करें, कर्ली ब्रेसेस में जो फंक्शन है वो क्या है, वो कॉल नहीं हुआ हुआ, वो सिर्फ पास हुआ हुआ है। कॉल खुद करेगा रिएक्ट जब उसका दिल करेगा, हमने नहीं करना कॉल, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, उसको कॉल कर देते थे यूँ, लेकिन अब इसको हम कॉल नहीं करते रिएक्ट के अंदर, ठीक है। कॉल करेंगे तो क्या होगा, कॉल करेंगे तो होगा ये कि जैसे ही रिएक्ट किया ऐप रन करेंगे ना, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, चलता चला जाएगा, वो चलता चला जाएगा, सही है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पास करना सर, है उसको, आप कॉल नहीं करना। जी चलिए, बटन पे ऑन क्लिक पे कॉल बैक फंक्शन लगाओ। जी, कॉल बैक फंक्शन लगाओ। कॉल बैक फंक्शन तो नहीं है ये, सिंपल फंक्शन है। कॉल बैक क्यों कह रहे हैं आप इसको, ये एक सिंपल सा फंक्शन है, ऐसा ही होता है फंक्शन। ये एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन हम पढ़ चुके हैं ना जावास्क्रिप्ट के टाइम पे, हमने चार तरीके के फंक्शन पढ़े थे, ES5 वाला एक, और ES6 वाले हमने पढ़े थे। Yes. अगर मुझे अभी वो याद है तो कहाँ पे पढ़ा था हमने वो, ये रहा फंक्शंस, जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे ना उस टाइम हमने पढ़ा होगा यहाँ पे, एरो फंक्शन, ये रहा, ठीक है। ये एरो फंक्शन हमने पढ़ा था कि भाई ES5 में एक होता है, फिर वो ES6 भी होता है, ठीक है, फिर ES6 में नो होस्टिंग वाला कौन सा है, ES6 में ये, तो ये चारों हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने मिस कर दिया तो वो जाके ना ES6 वाले लेक्चर्स दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, तो ये मैंने वापस बंद कर दिया। ये बटन के क्लिक पे क्या होता है, ये फंक्शन चलता है और ये चेंज कर देता है इस वेरिएबल को। अच्छा, अब ये कह रहे हैं ना कि अभी अब हमें इसी तरीके को चेंज करते हुए क्या करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है अब हमें इसी तरीके को यूज़ करते हुए। कैसे करेंगे अब वो हम। अच्छा, इसने कहा कि यार इंडेक्स की फ़ाइल पे जाके ना, पहले तो आप ये CSS पूरी लिख दें, दो यानी दो क्लासेस ने बनाई है, एक बनाई है लिट, एक बनाई है डार्क, ठीक है। और हम दोनों क्लासेस को कंडीशनली इस पे अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों क्लासेस को कंडीशनली अप्लाई कर देंगे दोनों इसके ऊपर। हमारे पास स्टाइल डॉट CSS एक बनी हुई है, इसी पे जाके हमने ये नया वाला हमारा ये पेस्ट करवा दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, डॉट लिट और डॉट डार्क, ये दो हमने बना दिया, ठीक है। डॉट लिट और डॉट डार्क दो नाम से हमने क्या बना दिया, दोनों वो बना दिए,
क्लासेस, राइट, क्लासेस बना दी हमने दो अदद। अच्छा, अब क्लासेस बनाने के बाद अगला काम क्या किया, इसको इम्पोर्ट किया सी एस एस को, इम्पोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, सी एस एस को इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो ये चलेगा नहीं, इम्पोर्ट डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट सी एस एस, सी एस एस को इम्पोर्ट भी कर लिया। इम्पोर्ट करने के बाद क्या किया मैंने, मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्टेंट ब्राइटनेस इक्वल्स टू इज लिट, कंडीशनल बना लिया इसको, कॉपी किया मैंने। अच्छा नहीं, ये कॉपी नहीं, इस तरह नहीं, डायरेक्ट क्लास नेम के अंदर भी कर सकते हैं हम ये। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये रूम है, मेरा जो ये रूम के नाम से बना हुआ था, इसको मैं अब रूम नहीं दूंगा, इसको मैं क्या दूंगा, बेगदत क्लास दूंगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अच्छा, क्लास के अंदर मैं क्या दे सकता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, जैसे इन्होंने देखें कर्ली ब्रेसेस लगाया हुआ है, तो कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं उसको क्या दे सकता हूँ, कोई भी कंडीशनल, कोई भी चीज़ दे सकता हूँ। तो मैंने कहा पहले तो ये रूम जो है ना वो तो रहे, यानी पहले से जो क्लास लगी हुई थी वो रहे अपनी जगह, स्पेस डाल के मज़ीद इसको मैं लिट ऐसे दे सकता हूँ, लिट करके दे सकता हूँ ना, या मैं इसको डार्क ऐसे दे सकता हूँ स्पेस डाल के, क्योंकि क्लास का जो नाम होता है वो स्पेस सेपरेटेड होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये ब्लैक हो चुका होगा, देखो ब्लैक हो गया ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो डार्क और लाइट है ना, इसको हमने कंडीशनल बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक अदद टर्नरी, बल्कि रूम को हटा देते हैं, डायरेक्ट टर्नरी लगाते हैं, डायरेक्ट टर्नरी लगाने से ना ज़्यादा मेक सेंस रहेगा। ठीक है, मैंने कहा इज लिट, इस पूरी जगह पे क्या आ जाएगा, या तो लिट आ जाएगा या तो डार्क आ जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ आ जाएगी, जो क्लास आएगी वो क्लास अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, बाय डिफ़ॉल्ट डार्क था तो डार्क आया, फ्लिप किया मैंने, लिट डार्क, लिट डार्क। ठीक है, ये हमारा बन गया, सही बन गया, ज़बरदस्त बन गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये तो मेरी एक ही क्लास है ना, इसके साथ एक और भी तो क्लास थी, मैं चाहता हूँ वो भी रहे, तो उसको रखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको ना टेम्पलेट बना के इतने को मैं कर दूँगा टेम्पलेट के अंदर, और बाकी जो मेरा था ना ये रूम के नाम से था ना ये किसका, वो मैं रहने देता हूँ रूम को। ठीक है, वो वाली क्लास भी रहने दी मैंने, अब फ्लिप कर रहा हूँ तो पूरे पेज पे आ रहा है, क्योंकि वो रूम की जो क्लास थी उसी पे ही क्या लगा हुआ था, रूम की क्लास पे लगी हुई थी हाइट 100%, क्योंकि जब से जाहिर है जितना कॉन्टेंट होता है उतना ही बैकग्राउंड शो होता है। अच्छा, तो ये हमने छोटी सी एक्टिविटी की है, एक हमने स्टेट सीखा है कि स्टेट क्या होता है किसी वेरिएबल का, तो हमारे वेरिएबल का अब एक स्टेट है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी थी ट्रू, मिसाल के तौर पे ट्रू रखी थी इन्होंने, बाद में इसको मैं चेंज करता हूँ तो क्या होता है, ये यूआई पे भी, स्क्रीन पे भी चेंज होता है, और साथ साथ इसके ज़रिए मैं कंडीशनल क्लासेस भी लगा सकता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं जी, अब ये योर टर्न आ गया, योर टर्न, अब आप सब लोगों को क्या करना है, ये योर टर्न वाला काम सब लोगों को करना है, अभी इसको पढ़ें और पढ़ के ना इसको आप अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद आपकी छुट्टी है। जो अगली क्लास होगी हमारी, उसमें इंशाल्लाह हम फेच डेटा पढ़ेंगे कि इंटरनेट से अगर डेटा हमें फेच करके लाना है अपने रिएक्ट की ऐप में तो वो कैसे आएगा, यानी अगली क्लास में इंशाल्लाह हम एक जो वेदर ऐप थी ना, जो हमने प्लेन HTML CSS पे बनाया था, वो वेदर ऐप इंशाल्लाह हम रिएक्ट के ऊपर बनाएंगे अगली क्लास में। ठीक है, फिलहाल के लिए योर टर्न वाला जो काम है ना, ये आप सब लोग परफॉर्म करें, और ये परफॉर्म करने के बाद आपकी जो है वो आज की क्लास कंप्लीट है। इसने काउंटर की ऐप बनवाई है इसके अंदर, तो इसको प्लीज़ आप ज़रा ना सब लोग कर लें जल्दी से। ठीक है।